फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि जैन। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप? तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे जितने वीडियो देखे हैं उसमें हमने कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट बताया है। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारे नाक के आसपास जो भी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उनको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। आप चाहे तो पार्लर में भी जाके इसको रिमूव करा सकते हैं और आप घर पर भी इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेफ्टी से इसको करेंगे, लेकिन बहुत इजी है इसको ब्लैक हेड्स को निकालना। तो मैं आज आपके सामने वही वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग फेस को थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे। इसलिए देखिए, ये एस्ट्रीजेंट लिया है मैंने। क्लीजिंग मिल्क से भी आप क्लीन कर सकते हो और एस्ट्रीजेंट से भी क्लीन कर सकते हैं। मैं पहले इसको थोड़ा सा नोज़ को क्लीन करेंगे। नाक के आसपास ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स दोनों ही बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको निकालना बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको पेन भी नहीं होगा और इजीली ये निकल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने इसको क्लीन कर लिया है, जिससे धूल मिट्टी जो भी डस्ट वगैरह है वो हट जाएगी। इसके बाद मैंने ये क्लीजिंग मिल्क लिया है। ये वाइन फेशियल की मेरे किट में से मैंने लिया है। आप कोई सा भी इसमें क्लीजिंग मिल्क ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं थोड़ा सा क्लींजर से इसको क्लीन और करूँगी। क्योंकि जैसे आप इसकी मसाज करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। लोगों ने हमें कमेंट किया था कि मैं अपने सेल्फ का ये वीडियो बनाया, बल्कि ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि सेल्फ पर करके बताएं, इसलिए मैं आज सेल्फ पर करके बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से प्लीज इनको उसमें ऑब्जर्व करके हो गया है। अब मैं लूँगी, मैं इसी किट का मैंने स्क्रब लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रब से मसाज दूंगी। मसाज में थोड़ा ड्राई लगता है तो थोड़ा सा पानी का हाथ लगा सकते हो। साइडों से भी हम इसको करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्स होता है साइड का, ये इस जगह भी हमारे वाइट हेड्स काफ़ी हो जाते हैं। तो देखिए, ये कर लिया है, स्क्रब किया है। स्क्रब हम अभी एक बार और करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा ही किया है, पहले हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद एक बार स्टेप और करेंगे स्क्रब का। अब ये देखिए, ये मैंने कॉटन लिया है और थोड़ा सा इसमें गुनगुना पानी लिया है। गुनगुने पानी से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए लगा के इस पर इस तरह से डिप करके और इस पर कॉटन पर लगा लेंगे, अच्छी तरह इसको कवर कर लेंगे। जहाँ जहाँ आपके पार्ट हैं उस तरह से इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। जैसे हम इसमें जब कॉटन लगाएंगे, क्योंकि इसमें गुनगुना पानी है, तो ये आसपास की जगह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, ओर्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब भी हम इसमें से ब्लैक हेड्स को रिमूव करेंगे,
बहुत इजी रहेगा हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इसमें पेन नहीं होगा, इसलिए हम लोग स्किन को बहुत सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम कम से 5 से 6 मिनट इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एक बार स्क्रब और करेंगे, एक बार हमने क्लीन किया था और अभी क्योंकि पोर्स हमारे ये पोर्स जो भी हैं इसके स्किन के और भी सॉफ्ट हो गए, तो वो जब स्क्रब करेंगे तो और भी ज़्यादा वो सही हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें जो ब्लैक हेड्स हैं उनको निकालने में इजी रहेगा। बिल्कुल इतनी इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि हमें ब्लैक हेड्स निकालने में बिल्कुल भी पेन ना हो। ये देखिए अभी देखिए मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है, बहुत गरम गरम लग रहा है, गुनगुना गुनगुना हमने इसमें लगाया है, इतना सॉफ्ट लग रहा है। अब वापस मैं एक बार इसमें स्क्रब करूँगी जिससे जो भी सॉफ्ट हुआ है ना तो और ज़्यादा वो उसकी टैनिंग वगैरह भी हट जाएगी और जगह भी बहुत और सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे हमें ब्लैक हेड्स निकालने में बहुत इजी रहेगा। से 4 मिनट बाद में इसको वापस स्क्रब करेंगे और फिर हम एकदम देखेंगे कि हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। बहुत नोज़ वाला पार्ट भी हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हम बहुत हल्के हाथ से मसाज करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ इसमें नहीं लगाना है क्योंकि ये वाली बोन्स हमारी बहुत सेंसिटिव होती है। बहुत हल्के हाथ से हम इसको करेंगे और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। वीडियो को हमारे को पूरा ज़रूर देखें तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए मैंने दोबारा इसको स्क्रब कर लिया है, अब मैं इसको क्लीन करूँगी। चलिए मेन स्टेप अब हमारा आने वाला है। ये देखिए ये मेरे पास टूल है, इसमें दोनों साइड होल होते हैं, वो जहाँ छोटा छोटा है वहाँ एक तरफ ये छोटा है और एक तरफ ये इसमें थोड़ा सा बड़ा होल है। तो बहुत अगर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं तो हम इससे निकाल सकते हैं, तो बड़ी जो बड़ा वाला होल है इसकी साइड से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ आपको ईजी हो थोड़ा सा कॉटन ले लेंगे, उसको पानी में डिप कर लेंगे और अब ये देखिए जहाँ जहाँ ये दिखते हैं ना वहाँ थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको आगे कर देंगे। ये देखिए अब इसमें ये ब्लैक हेड्स इसमें आ जाएंगे। इस तरह से हम इसको बहुत इजीली ये निकल जाते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अकेले में नहीं हो पाता, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं और नहीं तो आप पार्लर में जाके ये करवा सकते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा कोई हार्ड है तो थोड़ा सा इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो वो इसमें आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये नोज़ पिन के आसपास भी हमारे बहुत सारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जहाँ ब्लैक है वहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करेंगे और यूँ निकाल देंगे। देखिए इस तरह से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दोनों को निकालने की यही टेक्निक होती है। ये देखिए अब मेरे ब्लैक हेड्स नहीं कम है, वाइट हेड्स ज़्यादा है। ये देखिए इस साइड से पूरे इसमें निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से उसको चलाएंगे और ये पूरा क्लीन हो जाएगा। पूरे इसमें आ गए हैं, ज़्यादा दिख नहीं रहे क्योंकि मेरा वाइट हेड ज़्यादा है, इसलिए इसमें वाइट कॉटन में कम दिख रहे हैं, लेकिन अभी इसमें पूरा क्लीन हो गया है। एक बार हम वापस से एस्ट्रीजेंट लगाएंगे क्योंकि
ये लोहे की हमने इसमें टूल काम में लिया था तो कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ये लगाएंगे हम। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम थोड़ा सा इसको क्रीम से मसाज देंगे, क्योंकि अब गर्म पानी भी लगाया था, पोर्स भी थोड़े से ओपन हो जाते हैं गुनगुने पानी से, पर वो क्लीन भी किया है हमने इसको, तो इसको थोड़ा सा वापस अपनी पोजीशन लाने के लिए थोड़ी सी, ये मैंने एरोमा की क्रीम ली है। आप जो भी क्रीम आप यूज़ में नॉर्मली में जो लेते हो आप क्रीम, वो आप क्रीम इसमें लगा सकते हैं, जो आपको क्रीम सूट करती हो वही क्रीम इसमें ले सकते हैं। मैं नॉर्मल हमें हल्का सा इसको मसाज देना है, हो चुकी है। हम इसका जो लास्ट स्टेप है वो है पैक का। ये पैक मैंने मुल्तानी मिट्टी का बनाया हुआ है, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल से, तो मैं थोड़ा सा पैक लगाऊंगी। जो पैक आपके पास अवेलेबल हो वो लगा सकते हैं। पैक बेस मुल्तानी बेस होता है पैक, क्योंकि जो पोर्स ओपन हुए थे वो वापस अपनी पोजिशन में आ जाएंगे। अगर पोर्स ओपन रहेंगे तो उनमें डस्ट जाएगी और वो पिंपल्स बनने का खतरा रहता है, इसलिए हम इसमें वापस पैक लगाएंगे ताकि वो पोर्स बंद हो सके और जो होल हो जाते हैं वो भी इससे वापस क्लोज हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पैक लगा लिया है। आप चाहें तो पूरे फेस पर भी आप क्लीन कर सकते हैं, ब्लैक हेड्स निकालते हैं जब तो पूरे फेस का फेशियल भी हो जाएगा और ब्लैक हेड्स भी निकल जाएंगे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको ब्लैक हेड्स निकालना बताया है। तो इसको 4 से 5 मिनट हम इसको छोड़ेंगे, थोड़ा सा ये सूखने पे आएगा तब हम इसको क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो देख रहे हो, पूरा वीडियो देख रहे हो, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन आप प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका कुछ भी नहीं जाता उसमें, सिर्फ आपको क्लिक करना होता है। तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए ये भी मेरा सूखने वाला है, अब फैन चल रहा है तो बहुत जल्दी सूख जाएगा ये। ये देखिए अपने आप लगने लग जाता है कि ये सूख गया, और उसके बाद हम थोड़ा सा गीला हाथ लेंगे पानी का और इसको इस तरह से स्क्रब करते हुए, तो भी मसाज करते हुए इसको हटा लेंगे। ये भी मुल्तानी में भी थोड़ा सा दाना है, मैंने मुल्तानी रेडीमेड नहीं ली, मैंने पीस के मुल्तानी बनाई है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा मसाज करके हम कर लेंगे। तो देखिए फिर मैंने क्लीन कर लिया है इसको, और देखिए पूरा ब्लैक है, सच के कितना सुंदर लग रहा है। अब बहुत ड्राई लग रहा है क्योंकि मौसम अभी थोड़ा ड्राई होने लग गया, तो मैं वापस से थोड़ी सी क्रीम इसमें लगा लूँगी और ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।